आप देख रहे हैं रजनी क्रिएशन। रजनी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक टॉपिक पर बनाई है मैंने कि हम किस फैब्रिक में किस लाइनिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हम किस फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग लगवाएं। जैसे कि हम कॉटन फैब्रिक लेते हैं, बहुत ही थिन होता है, तो हम उसमें लाइनिंग लगवा लेते हैं वापस से कॉटन की, लेकिन वो हम वापस से फिर थिन लगवा लेते हैं तो हमें दिक्कत आती है। इसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई हुई है कि हम किस अलग अलग टाइप पर कैसे हम अलग अलग फैब्रिक्स की लाइनिंग लगाएंगे, और सिल्क में क्या लगाएंगे, कॉटन में क्या लगाएंगे, और चिनॉन में क्या लगाएंगे, जॉर्जेट में क्या लगाएंगे, और पार्टी वियर फैब्रिक्स में क्या लगाएंगे। इस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से फैब्रिक में कौन सी लाइनिंग का यूज़ करेंगे और सही क्या है, कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला फैब्रिक है ये देखिए, ये टाफेटा सिल्क फैब्रिक है, बहुत ही ट्रेंडी फैब्रिक है कहने के लिए, मतलब इसका हम सबसे ज़्यादा ब्लाउज़ में यूज़ कर रहे हैं आजकल। ब्लाउज़, पैंट और कुर्ता बहुत ट्रेंड में है इसके, और इसके साथ हम हैवी दुपट्टा ले लेते हैं। इस टाइप की ड्रेस हम इससे ज़्यादा डिज़ाइन कराते हैं, कलरफुल। ये हर कलर में अवेलेबल होता है, हमें आसानी 50 से 60 रुपये पर मीटर में मार्केट में मिल जाता है, लोकल मार्केट में। तो इस टाइप से हम इसे ले लेते हैं। बट हम इसमें क्या करते हैं, जो लाइनिंग लगाते हैं, अब हम लाइनिंग लगाएंगे इसमें कॉटन की। कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे जो हम ब्लाउज़ में लगाते हैं अक्सर, वही लाइनिंग हम इसमें लगवा लेते हैं। बट क्या रहता है, पहनने के बाद फिर भी हमें ये ट्रांसी सा लगता है। ये देखने में ट्रांसी नहीं है, लेकिन जब हम इसे पहनते हैं, पहनने के बाद ये बॉडी पर हमें लगता है कि ट्रांसी है और पतला लगता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यदि आप कॉटन लाइनिंग लगाते हैं तो आप नॉर्मल कॉटन लाइनिंग ना लगाएं, थिन वाली ना लगाएं, थोड़ी सी मोटी रख सकते हैं इसको, मोटा रख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला कॉटन फैब्रिक है, आप इसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है, मतलब कि ये कॉटन ही है बट उतना थिन नहीं है जितना कि हम ब्लाउज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, उतना नहीं है। आप जब भी लाइनिंग लगवाते हैं किसी भी फैब्रिक में तो फैब्रिक की थिकनेस देखें। यदि आपका फैब्रिक बहुत ही थिक है, जैसे कि हो गया सिल्क फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक बहुत ही होता है, जैसे कांजीवरम साड़ी की ड्रेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो बहुत ही थिक होता है, पहले से बहुत थिक होता है। यदि हम उसमें और थिक फैब्रिक लगाएंगे तो हमें पहनने में अनकम्फर्टेबल होगा, और जो बॉडी पर उसकी फिटनेस या एक टेक्स्चर होगा वो बैठेगा नहीं। जैसे हम उसका फ्लो देखेंगे कि बैठता कैसा है, वो स्किन पर अच्छा नहीं लगेगा, सूदिंग नहीं लगेगा पहनने में। तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉटन लाइनिंग का यूज़ करेंगे, हम उसमें थिक फैब्रिक नहीं लगाएंगे। जैसे कांजीवरम मोटा होता है। अब एक अभी चल रहा है जैसे कि ये टाफेटा सिल्क हो गए, सिल्क वाले फैब्रिक बहुत चल रहे हैं, तो हम उनसे बना तो लेते हैं। जैसे एक ब्रोकेड फैब्रिक होता है, ब्रोकेड होता है तो ब्रोकेड में भी हम जैसे लाइनिंग लगा लेते हैं, तो हम उसमें लाइनिंग ज़रूर लगाएं, तो हम उसमें थिन लाइनिंग लगवा सकते हैं, उसमें हमें मोटी लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फैब्रिक भी बहुत मोटा होता है। तो इस टाइप से हम इसमें भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रेप फैब्रिक लाइनिंग भी लगा सकते हैं। जो अमेरिकन क्रेप होता है 40 से 50 रुपए पर मीटर हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये है क्रेप फैब्रिक, इसकी क्वालिटी देखेंगे बहुत ही सूदिंग है। लेकिन क्या होता है कि जैसे टाफेटा सिल्क बहुत हार्ड टाइप का, थोड़ा हार्ड फैब्रिक होता है, खड़ा खड़ा सा, तो अब हम उसमें लगाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसकी जो कपड़े की बैठक होगी, मतलब इस पर अच्छे से बैठेगा नहीं। तो हम उसमें क्या करें, अच्छा कॉटन फैब्रिक लेकर के थोड़ा सा थिक वाला कॉटन फैब्रिक लगा सकते हैं टाफेटा सिल्क के साथ। ब्लाउज़ बनाएं या कुर्ता बनाएं, जो भी आप बनाएं उसमें आप कॉटन लाइनिंग लगाएं। आप चाहें तो अमेरिकन क्रेप भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। और कॉटन थोड़ा सा हमें महंगा पड़ेगा, समथिंग समथिंग वही रेंज रहती है, 50 रुपये पर मीटर में कॉटन लाइनिंग भी अच्छी मिल जाती है, तो हम वो लगा सकते हैं। अब हम करेंगे अपने दूसरे फैब्रिक की बात, तो दूसरा फैब्रिक क्या है और हम इसे कैसे लगा सकते हैं। अब दूसरे फैब्रिक की बात करेंगे तो ये जापानी सैटन है, ये जापानी सैटन सिल्क फैब्रिक है, देख सकते हैं आप, ये जापानी सैटन सिल्क फैब्रिक है। अब हम आपको सामने से ही दिखाते हैं कितना थिन लग रहा है, देखिए ये कितना ट्रांसी लग रहा है। यदि हम इसमें कॉटन भी लगाते हैं, कॉटन लाइनिंग लगाते हैं पतली वाली, तब भी वो हमें ट्रांसी लगने वाला है। तो हम इसमें ज़रूर क्रेप फैब्रिक लगाएं, क्योंकि इसकी जो सॉफ्टनेस है और इसमें जो लूजनेस है, तो वो इस फैब्रिक में भी लूज़ है। देखो ये फैब्रिक भी लूज़ है, आप देखें कि कपड़ा आपका लूज़ है या हार्ड है। यदि लूज़ है कपड़ा तो आप लूज़ ही लाइनिंग का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो जैसे कि इसमें हम इसकी लाइनिंग लगाएंगे, इसमें आप देखें जैसे कि ये हमने आपको बताया है जापानी सैटन, जापानी सैटन में आप
इसी फैब्रिक को लगा सकते हैं, अमेरिकन क्रेप फैब्रिक को लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें आप जापानी सेटन या सिल्क वाली फैब्रिक में क्रेप फैब्रिक की लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं आसानी से, और बहुत ही अच्छा भी रहेगा। अब हम वापस से बात करेंगे जॉर्जेट फैब्रिक की। जॉर्जेट फैब्रिक में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉटन की लाइनिंग लगवा लेते हैं। कॉटन की लाइनिंग लगवा तो लेते हैं, बाद में जब हम पहनते हैं तो ये पहले से ही ट्रांसी रहता है। यदि आप इटालियन जॉर्जेट का यूज़ करते हैं या और हैवी जॉर्जेट आते हैं, उस टाइप के जॉर्जेट बहुत ही मोटे होते हैं, मोटे किस्म के, ट्रांसी नहीं लगते एक्चुअल में। जिस टाइप की वो टॉप देखेंगे आप, टॉप के टॉप बने होते हैं जॉर्जेट, इटालियन जॉर्जेट फैब्रिक के आपने टॉप देखे होंगे और ड्रेसेस देखी होंगी, वो बहुत ही थिक टाइप का फैब्रिक होता है, देख छूने में पतला रहता है बट ट्रांसी नहीं होता है जितना ये वाला जॉर्जेट ट्रांसी है। ये नॉर्मल जॉर्जेट फैब्रिक है जिसे हम दुपट्टा भी बना सकते हैं और अनारकली वगैरह बना सकते हैं। यदि आप अनारकली वगैरह बनाते हैं तो आप इसमें क्या करें, क्रेप फैब्रिक लाइनिंग लगवाएं, क्रेप जो नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएगी और मोटी भी रहेगी, और ये पहनने के बाद ट्रांसी भी नहीं रहेगा, और ये जैसा लूज़ फैब्रिक है वैसा वो भी लूज़ रहेगा, तो दोनों का अच्छा टेक्स्चर होगा मिलने के बाद। तो इस तरह से आप जॉर्जेट में भी ये फैब्रिक लगा सकते हैं, क्रेप फैब्रिक लाइनिंग लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे नेट फैब्रिक, तो नेट फैब्रिक देख लेते हैं। अब नेट फैब्रिक की ड्रेसेस जो बनाते हैं ज़्यादातर स्लीव्स वगैरह में यूज़ होता है, और यदि दुपट्टे तो बनाते ही बनाते हैं, यदि कोई इस फैब्रिक की ड्रेस बनाना चाहता है, अब ड्रेस बनाना है तो ये तो दिखना है अंदर का फैब्रिक, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा साइनी फैब्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा सिमरी फैब्रिक लगाएंगे। यदि आप देखिए ऐसा कोई प्लेन फैब्रिक लगा लेंगे या कॉटन लगा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर यदि हम इसकी ड्रेसेस बनाएंगे तो पार्टी वियर टाइप की बनाएंगे। प्लेन कुर्ता बना रहे हैं तो आप उसमें अच्छे से कोई कॉटन, थिक वाला कॉटन भी लगा सकते हैं। यदि आपको साइनिंग चाहिए तो आप थोड़ा सा साइनी फैब्रिक ले सकते हैं, सिमरी वाला, जैसे कि जापानी सेटन भी ले सकते हैं इसके अंदर आप लगाने के लिए। जापानी सेटन, सेंटून ले सकते हैं, रॉ सिल्क ले सकते हैं, लेकिन रॉ सिल्क सबसे बेकार फैब्रिक है, मतलब आप अपनी ड्रेसेस में रॉ सिल्क का यूज़ ना करें, क्योंकि वो सिलवाने के बाद है ना उसकी जो रेसे होते हैं वो निकलते रहते हैं और कोई मतलब नहीं होता, दो चार वॉश के बाद वो एकदम बेकार हो जाता है, तो आप उसे अवॉइड करें, उसे ना लगाएं फैब्रिक्स में, किसी भी फैब्रिक में यूज़ ना करें रॉ सिल्क का। यदि आप जब भी सिल्क वाली लाइनिंग लगवाना चाहते हैं तो आप जापानी सेटन, टापटा सिल्क और जैसे कि हमने बताया वो सेंटून, तीनों को आप लगवा सकते हैं आसानी से। इनका भी आप, ये हम मेन फैब्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं, मेन सबसे ऊपर की तरफ, और इसमें दूसरी लाइनिंग लगा सकते हैं, और इसका भी हम बाद में इनको भी हम किसी किसी फैब्रिक में अस्तर में यूज़ कर सकते हैं, लाइनिंग में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर दूसरा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जो चाहें, जैसे इसके ऊपर हम नेट यूज़ कर सकते हैं जापानी सेटन के ऊपर। तो हम इस तरह से अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग लाइनिंग लगा सकते हैं। जैसा कि जॉर्जेट में मैंने बताया कि आप ध्यान रखें, जॉर्जेट में अगर आप कॉटन लाइनिंग का यूज़ करते हैं, कॉटन लाइनिंग, तो आप थिन कॉटन लाइनिंग का यूज़ ना करें, थोड़ी सी थिकनेस रहे उस कॉटन में लाइनिंग में तो आप ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यदि हम पहनेंगे तो इनर वगैरह हमारी इनहेंस हो सकती है, अंदर से विजुअल होगी। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें कि क्या लगवाना है किस फैब्रिक में, आप पहले ही रखें, आप थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, 10-20 रुपए का अंतर पड़ता है यदि हम अच्छी लाइनिंग का यूज़ कर लें तो, बाद तक के लिए हमारी अच्छी होगी ड्रेस। जैसे कि हम बनवा तो लेते हैं, बाद में फिर हम उसके अंदर भी इनर पहनेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। यदि हमने लाइनिंग लगवाई है तो हमें 2 से 3 बार, यदि हमने एक बार फिर यूज़ करी इनर को तो कोई मतलब नहीं हुआ हमारा लाइनिंग लगाने का, तो आप लाइनिंग का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे टिशू फैब्रिक की। टिशू फैब्रिक बहुत ही ट्रेंडी फैब्रिक है, तो देखो टिशू की ड्रेसेस भी बनती हैं, दुपट्टा तो बनते ही बनते हैं, और जो भी आजकल ड्रेसेस चल रही हैं ज़्यादातर टिशू की देखने को मिल रही हैं। तो अब टिशू में हम कौन सी लाइनिंग लगाएंगे, या तो आप टिशू को देखो, एक ऐसा है आप अलग से बनवा सकते हैं ड्रेस, और एक इनर अलग से बनवा सकते हैं, इनर पहने उसके ऊपर आप टिशू की ड्रेस पहन सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है कि हमें कपड़े की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, कपड़े को मजबूत करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, तो हम उसमें लाइनिंग साथ में ही लगवाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बताएंगे हम आपको। देखो ये जैसे टिशू फैब्रिक है, ये हमने टिशू फैब्रिक लिया है, तो अब हमें लाइनिंग लगानी है, तो हम इसमें जापानी सेटन की लाइनिंग लगा सकते हैं, जापानी सेटन यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस ड्रेस को बनाने में हम यूज़ करेंगे जैसे, तो हम इसमें जापानी सेटन के यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये सेंटून, ये सेटन सिल्क फैब्रिक है
जो हमें 40 रुपए पर मीटर में आसानी से मिल जाता है लोकल मार्केट में, तो आप इसे लगा सकते हैं। ये टिशू के साथ परफेक्ट जाता है, आप लगा सकते हैं। यदि आपको उससे अच्छी लाइनिंग लगानी है तो आप जापानी सेटन ले सकते हैं, और इसके साथ आप टाप्रा सिल्क भी लगा सकते हैं, जो चाहें वो लगा सकते हैं आपकी च्वाइस के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे दूसरा फैब्रिक है जो हमारा, वो फिर हम जॉर्जेट फैब्रिक की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लहंगा वगैरह बनाते हैं, तो लहंगा बनाते हैं तो देखिए, जैसे ये जॉर्जेट फैब्रिक है, हम इसका स्कर्ट बनाएंगे तो इसमें रॉ सिल्क वगैरह ना लगाएं। ये वैसे ट्रांसी फैब्रिक है, इसमें ट्रांसी का तो ठीक है, रॉ लगा भी लेंगे वो चलेगा नहीं, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से भी सोचें कि आप इसमें कंफर्ट क्या रहेगा। आप अगर इसमें जॉर्जेट के साथ क्रेप लाइनिंग लगाएंगी तो ये अच्छा तो लगेगा, साथ में सबसे ज़्यादा बात ये है अच्छी कि कंफर्टेबल होगा। आप जब रेडीमेड कपड़े खरीदती हैं तो उसमें कंफर्ट होने का कोई चांस ही नहीं होता है। आप देख सकते हैं उसमें केन और ये लगा देते हैं, दोनों को साथ में अटैच कर देते हैं एक ही लाइनिंग के साथ, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो आप ध्यान रखें, आप हमेशा जो स्कर्ट बनवाते हैं जॉर्जेट वगैरह के, सिल्क वगैरह के, तो आप लाइनिंग के रूप में उसमें नीचे आप क्रेप फैब्रिक को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं, और जॉर्जेट में मैंने बताया क्रेप का कर सकते हैं, और सिल्क में कर सकते हैं आप मोटे मतलब थिक फैब्रिक कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, और ये हमने टिशू में भी बताया आप सेंटून का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग आप अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चिनोन फैब्रिक का बनाते हैं ड्रेस, चिनोन यदि आपका ट्रांसी फैब्रिक नहीं है, थोड़ा सा थिक है, तो आप उसमें कॉटन सॉफ्ट कॉटन लगा सकते हैं। आप मलमल कॉटन की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा अच्छी लाइनिंग चाहिए तो इस तरह से आप लगवा सकते हैं। यदि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज़ देखने के लिए बने रहिए रजनी क्रिएशन के साथ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।